दोस्तों आज की ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है अगर आप लोग भी गूगल अकाउंट का इस्तेमाल कर रहे हैं और अगर आपकी गूगल अकाउंट की इन्फॉर्मेशन किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के पास जा रही है तो उसको आप कैसे रिमूव कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे हाउ टू रिमूव थर्ड पार्टी एक्सेस फ्रॉम योर गूगल अकाउंट, रिमूव थर्ड पार्टी ऐप एंड यूजर्स एक्सेस। अगर आप भी जानना चाहते हैं तो इस पूरी वीडियो को देखते रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना अंकित और आप देख रहे हैं टेक्निकल सर्च यूट्यूब चैनल। चलिए सीखते हैं। दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं कि अपने गूगल अकाउंट से थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का जो अपन एक्सेस दे रहे हैं उसको अपन कैसे यूज कर सकते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, सबसे पहले आपको अपना कोई भी ब्राउजर को ओपन कर लेना होता है। मैंने मेरे कंप्यूटर में गूगल क्रोम को ओपन कर लिया है। आप ये काम अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं और कंप्यूटर लैपटॉप से कर सकते हैं। अब जिस भी ईमेल आईडी से जो आपके थर्ड पार्टी जो एप्लीकेशन है वो एक्सेस ले रहे हैं, जो भी मतलब जिस भी ईमेल आईडी से आपको रिमूव करना हो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को, तो सबसे पहले आपको वो आईडी को गूगल में लॉगिन कर लेना होता है। ठीक है, गूगल में लॉगिन करने के बाद आप देख पाएंगे यहाँ पे आपका जो आईडी है वो देखने को मिल जाता है। जो भी आपका आईडी खुला होगा उसका प्रोफाइल पिक्चर देखने को मिल जाएगा। आपको सिंपल यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप देख पाएंगे यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा जिस पे लिखा होगा मैनेज यूअर गूगल अकाउंट। आपको सिंपल यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसी विंडो खुल जाएगी गूगल अकाउंट की। ठीक है, अब ध्यान दीजिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में तो यहाँ पे होम, पर्सनल इन्फो, डाटा एंड प्राइवेसी, सिक्योरिटी कुछ ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं, तो आपको क्लिक करना होगा सिक्योरिटी पे। ठीक है, क्लिक कर देंगे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस खुल जाएगा। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे आपको नीचे स्क्रॉल करना है, नीचे स्क्रॉल करना है, नीचे स्क्रॉल करना है। तो यहाँ आप देख पाएंगे यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा, यहाँ पे लिखा आएगा थर्ड पार्टी ऐप अकाउंट एक्सेस। सिंपल यहाँ पे लिखा रहेगा मैनेज थर्ड पार्टी एक्सेस, इस पर क्लिक कर दीजिएगा। इस पर क्लिक करने के बाद आप देख पाएंगे यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है, ये ब्लू टिक देख पाएंगे, लिखा है गूगल अकाउंट साइन इन। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पाएंगे ये राइट बटन लगा हुआ है, इसको बंद कर दीजिएगा। दोस्तों अब जैसे ही आप ब्लू टिक को बंद कर देते हैं तो ध्यान दीजिए जितने भी एप्लीकेशन है आपको नीचे देखने को मिलेंगे आपको उस पर क्लिक करना है। तो आप देख पाएंगे जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे अब जो एप्लीकेशन है आपका क्या डाटा एक्सेस कर रहा है, तो बताना चाहूँगा। देखिए लिखा रहा है कि यूट्यूब का पूरा डाटा इसकी आपसे एक्सेस कर रहा है, मतलब ये आपकी यूट्यूब चैनल को कभी भी कुछ भी कर सकता है, या मैं ये नहीं बोलूँगा ये कर सकता हूँ, सबसे कुछ और भी ऐप हो वो कर सकते हो। ठीक है, तो आप देख पाएंगे यहाँ पे लिखा हुआ है स्पष्ट कि आपके YouTube चैनल का पासवर्ड, आईडी, सब कुछ इसके पास एक्सेस है, जो कभी भी कहीं पर भी आपका YouTube चैनल खोल सकता है। ठीक है, इसको आपको रिमूव कर देना है यहाँ से, ओके पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे आप क्लिक करेंगे आप देख पाएंगे यहाँ से हट चुका है। अब बैक आइए, बैक आने के बाद आप इस पर रिफ्रेश करिएगा तो आप देख पाएंगे यहाँ से अपन सिक्योरिटी पे ही हैं। और देखिए नीचे आते हैं अपन सिक्योरिटी पे क्लिक करने के बाद, तो यहाँ आप देख पाएंगे थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का जो ऑप्शन था वहाँ से हट चुका है। तो इस तरीके से दोस्तों आप लोग अपने गूगल अकाउंट से थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को रिमूव कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है आप लोग पूरा अच्छे से समझ गए होंगे। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो, कुछ सीखने को मिला हो, तो मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और जो भी भाई और बहन हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाले टाइम में आपको ऐसी ही कई सारी यूजफुल वीडियो देखने को मिलती रहे। चलिए दोस्तों मिलेंगे फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी।